एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक श्री रमेश गुप्ता जी पिछले दिन अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिरा छे। उनां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उनां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्रीमती सरोज गुप्ता, पवन गुप्ता, दीपक गुप्ता, नेहा गुप्ता हुणा वल्लों महाराजा पैलेस बंगा रोड फगवाड़ा विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सभना संगतानू उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती। श्री रमेश गुप्ता जी बहुत ही तीखण बुद्धि वाले अते परमात्मा नू मनन वाले शख्सियत सन। आप जी बहुत ही मिलापड़े सुभाव वाले सन अते हर एक नू अपना बनाउण वाले शख्सियत सन। आप जी बहुत ही दृढ़ हौसले वाले अते प्रतिभाशाली इंसान सन। जेकर कह लईए कि आप जी ने फगवाड़ा विच मैरिज पैलेस दी लहर आरंभ कीती ते आप जी मैरिज पैलेस दी लहर दे संस्थापक सन, इस गल विच कोई भी अतकथनी नहीं होवेगी। सब तो पहला आप जी अपने परिवारक व्यापार टेंट हाउस नाल जुड़े हुए सन, पर शहर वासियां दी मांग नू देख के आप जी ने विज पैलेस, श्रीनाथ पैलेस, राजकमल पैलेस, गुप्ता पैलेस, वित्सर पैलेस दी स्थापना विच अहम योगदान पाया अते बाद विच आप जी ने महाराजा पैलेस खोलिया। आप जी अपने देश दी मिट्टी नाल गहरा मोह रखते सन। आप जी कोल अमरीका दी नागरिकता सी, पर इस दे बावजूद भी आप जी अपने देश अपने शहर विच रहना पसंद करदे सन। जिथे आप जी एक सफल बिजनेसमैन सन उथे ही आप जी ने धार्मिक कम्मा विच वडमुल्ला योगदान पाया। आप जी बाबा बालकनाथ जी दे परम सेवक सन। इस दे नाल नाल आप जी गरीबां दे मसीहा सन। कोई भी आप जी नू मदद लई कहंदा ता आप जी हमेशा ही दिल खोल के हर एक दी मदद करिया करदे सन। मौजूदा समय विच उनां दे नक्शे कदमां ते उनां दा परिवार चल रहा है। उसको महामारी में कष्ट नहीं होगा। आत्मा
ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਪਰਮ ਗਤੀ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਆਤਮਾ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੀਵ ਪਲਸ ਆਤਮਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕੋ ਪੱਕੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਯਹ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹ ਚੋਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਯੂ ਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਮਰਤੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਤੇ ਹੈ। ਯੂ ਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਮਰਤੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਾ ਉਸੀ ਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰੇ ਅਫਸੋਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ लगभग उनको पिछले 40-45 वर्षों से बहुत निकट से देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उस परमपिता परमात्मा ने, और मैं अनेकों बार ये बात सोचा करता था कि भगवान ने ये कैसी दिव्य आत्मा बनाई है जिसके मन के अंदर, हृदय के अंदर सबकी सेवा करने का भाव जो है हर समय उनके मन के अंदर, मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं, यह भाव उनके मन के अंदर रहता था। प्रायः समाज के अंदर तो यह होता है कि मैं और मेरा परिवार यहीं तक सीमित रहते हैं, प्रायः मैं और मेरा परिवार। लेकिन मैंने इस भाई को देखा, रमेश जी को, कि इन्होंने जीवन के अंदर दूसरे के करने के अंदर सुख माना कि मैं दूसरे को क्या दे सकता हूं। तो इस प्रकार का विनम्र स्वभाव जो है वो ये भाई का, और इस प्रकार का जीवन जिया, किसी के भी दुख सुख के अंदर वो सबसे आगे। और जब अस्वस्थ हो गए, अब बहुत एक्टिव नहीं थे, नहीं चल सकते थे, तो मुझे याद है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी उनके साथ साये की तरह उनके साथ रहते थे। जहां कहीं भी जाते थे उनको साथ लेकर जाते थे। और मैं अनुभव कर रहा हूं आज मेरी बहन के दिल पर क्या बीत रही होगी, मैं कल्पना कर सकता। जी शान मान इन्होंने रखी थी, अज कहीं और रखे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने थोड़ा दसिया वा कि उन्होंने दिल के बीच बड़ा ही प्यार होता कि हर एक नाल कोई भी आया उन्होंने खाली नहीं मोड़िया। अज तक भी उन्होंने जी सोचनी सी यही थी कि किसी ने दूजे एक दान दिता दूजे हाथ में ना पता लगे, यही वजह वा। बेशक सानू बड़ा दुख होया इस गल का, लेकिन उन्होंने मौत जी मृत्यु हुई है देवते वर्गी हुई है। बहुत सारी संगत मेरी भैन मामा मतावान दोस्त मित्र बुजुर्ग ਅੱਜ ਕੁਛ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।